Good morning to all you dear students from class 7th. In today's video, we are going to read the chapter number 4, that is the state government from civics. Okay, so in this chapter, which key aspects we are going to learn or read? There are three levels of government. Okay, central government, state government and local government, but in detail we will read about state government in this chapter. So the state government, its composition, okay, ये क्या होती है और इस ये किससे मिलकर बनती है, like the governor, the chief ministers and his council of minister, यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, स्टेट गवर्नमेंट बनती है. ओके, सो इन डिटेल वी विल डिस्कस लेटर ऑन. देन वी विल रीड अबाउट विधानसभा एंड विधान परिषद. आई होप यू हैव लिसन अबाउट और हियर्ड अबाउट विधानसभा, बट व्हाट इज विधान परिषद, व्हाट अबाउट विधान परिषद, ये क्या होती है. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो. देन वी विल रीड अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर एंड सी एम, यानि गवर्नर यानी राज्यपाल या महामहिम के, और सी एम यानी चीफ मिनिस्टर यानि मुख्यमंत्री के क्या पावर्स होते हैं, यानी उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, एंड फंक्शंस यानि वो क्या काम कर सकते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर इन दिस स्लाइड और इमेज यू आर सीइंग दैट देर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज और यूटीज इन इंडिया. ओके, सो एज यू नो इन ऑल द स्टेट्स एंड इन सम यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली, पौंडीचेरी, वी हैव चीफ मिनिस्टर्स. ओके, एंड सारे स्टेट्स में तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है ही सही, ठीक है. बाकी जो बचे हुए यूनियन टेरिटरीज हैं लाइक दमन एंड दीव, चंडीगढ़, ओके एंड सम मोर, इन में चीफ मिनिस्टर नहीं होते यहाँ पर, तो इनको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, कौन रूल करता है, कौन गवर्न करता है, इनको जो है प्रेसिडेंट गवर्न करते हैं. किसकी हेल्प से? लेफ्टिनेंट गवर्नर की हेल्प से. किसकी हेल्प से? लेफ्टिनेंट गवर्नर की हेल्प से, यानी इन हिंदी उपराज्यपाल की मदद से. ओके, तो मेरे कहने का मीनिंग यहाँ पर है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है, लाइक इन एमपी एमपी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ एमपी, इन राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इन गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ओके लाइक दैट. सो हियर यू आर सीइंग अ फ्लो चार्ट, ओके, दैट इज इंडिकेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कि भारत का जो प्रशासन है वो किस तरह काम करता है. तो सेंट्रल लेवल पर तो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है, अबाउट विच यू विल रीड इन क्लास 8. ओके, एंड एट द स्टेट लेवल वी आर हैविंग स्टेट गवर्नमेंट टू रन द स्टेट एंड टू रन द होल कंट्री, पूरे देश को चलाने के लिए हम कौन, हमारे कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और वी कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट, इन हिंदी केंद्र सरकार. ओके, जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. ओके, द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं. और नॉमिनल हेड कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का? गवर्नर होते हैं. ओके, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनल हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं. ओके, यानी चीफ मिनिस्टर जिस किसको रिपोर्ट करेगा स्टेट में? गवर्नर को रिपोर्ट करेगा. यानी गवर्नर क्या करते हैं? चीफ मिनिस्टर के कामकाज को देखते हैं. ऐसे ही सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर के कामकाज को कौन देखता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो अब हम बेसिकली हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसके अलग अलग डिवीज़न होते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होते हैं. जैसे पहले पूरे स्टेट को अलग अलग डिवीज़न, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एमपी में 52 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो इन 52 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया जाएगा. जैसे एक क्लास में 40 बच्चे, तो मैंने मान लीजिए मैंने
10 ग्रुप बना दिए तो चार चार बच्चे आ जाएंगे एक एक ग्रुप में, या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ओके, जितने मर्जी उतने ग्रुप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ऐसे ही स्टेट, जैसे हमारे स्टेट की बात हो रही थी, एमपी में 52 डिस्ट्रिक्ट थे, तो इन 52 डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग डिवीज़न में जो है क्लासीफाई किया गया है या अरेंज किया गया है, और वो टोटल डिवीज़न कितने हैं, 10 डिवीज़न है। कितने हैं एमपी में, 10 डिवीज़न। जैसे एग्जांपल की बात करें तो उज्जैन डिवीज़न की बात करें तो उज्जैन डिवीज़न का हेड ऑफिस तो उज्जैन में ही है, हेड ऑफिस उस डिस्ट्रिक्ट हेड प्लेस पर ही रहता है, डिस्ट्रिक्ट टाउन में ही हेड ऑफिस रहेगा किसी भी डिवीज़न यानी संभाग का। और उसमें जो और जिला आते हैं, जैसे उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में उज्जैन के अलावा रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, आगर मालवा, शाजापुर, ये सारे जिले आते हैं, ओके। ऐसे ही और भी डिवीज़न हो सकते हैं, और डिवीज़न जैसे हमारे सागर डिवीज़न है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, ओके, नर्मदापुरम है, ठीक है, चंबल डिवीज़न, ऐसे 10 डिवीज़न है टोटल, जिसमें से एक हमारा उज्जैन डिवीज़न। तो यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ से, ठीक है, प्रशासन की दृष्टि से जो है स्टेट बहुत बड़ा होता, तो जैसे देश बहुत बड़ा होता, देश को राज्यों में यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा, वैसे ही स्टेट को कई सारे डिवीज़न यानी संभागों में बांट दिया जाता, फिर उन डिवीजन्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है, एक डिवीज़न में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर उन डिस्ट्रिक्ट को जो है कई सारे ब्लॉक यानी तहसील में बांट दिया जाता है, ओके, कहीं पर उपखंड बोलते हैं, कहीं खंड बोलते हैं, कहीं प्रखंड बोलते हैं, कहीं तहसील बोलते हैं, कहीं जनपद बोलते हैं, कहीं ब्लॉक बोलते हैं, है ना, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, कहीं परिषद भी बोल देते हैं, नाम होते हैं किसके, तहसील के। अब देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है बड़ी सिटीज़ में, ओके, फिर जहाँ पर आई थिंक मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन जहाँ होती, सॉरी 10 लाख नहीं, 3 लाख ऐसा कुछ क्राइटेरिया है इसका, आप कंफर्म कर लेना। फिर म्यूनिसिपैलिटी होती है नगर पालिका, लाइक खाचरोद में है, आप देखिए आपके जावरा है ना, नागदा है। फिर सिटी काउंसिल यानी नगर पंचायत, फिर होता है विलेज, ये सब जो है इनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पर है, ठीक है, और एरिया भी आप बोल सकते हैं। फिर विलेज है, विलेज में ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, और वार्ड जो है सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है किसी भी गवर्नमेंट की, ओके, वार्ड समझ लीजिए आपकी कॉलोनी, जैसे हमारा खाचरोद जो टाउन है इसको जो है अप्रोक्सीमेटली 21 या 27 वार्ड में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, ये सारे वार्ड मिलकर हमारा खाचरोद जो है म्यूनिसिपैलिटी को बनाते हैं, और जो है ये फिर खाचरोद ब्लॉक जो है किस पे मर्ज हो जाता है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, उज्जैन डिवीज़न मर्ज हो जाता है, उज्जैन डिवीज़न एमपी स्टेट में मर्ज हो जाता है, एमपी स्टेट जो है फिर इंडिया में मर्ज हो जाता है, यानी इस तरीके से ये जो पॉलिटिकल डिवीज़न है यही पॉलिटिकल डिवीज़न जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न भी कहे जाते हैं, ओके। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलिटिकल डिवीज़न हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को रिप्रेजेंट करे, यानी जैसे नागदा खाचरोद एक विधानसभा सीट है, यानी ये पॉलिटिकल डिवीज़न तो एक ही है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में दो दो है, कैसे, यहाँ पर आप देखिए नागदा की नगर पालिका अलग है, खाचरोद की नगर पालिका अलग है, ठीक है, तो वो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे अलग अलग पर्पस से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इनको जो है बनाया गया, इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो अब आप इसमें देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात हम करते हैं तो द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट आर नोन एज स्टेट गवर्नमेंट्स, किसी राज्य में बनने वाली राज्य जो सरकार होती है स्टेट लेवल पर उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं। द पावर्स ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट वर्क ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, यानी किसी स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो पावर्स होती है वो उसी स्टेट की बाउंड्रीज के विद इन यानी उसी राज्य की सीमाओं के अंदर काम करती है, यानी कहने का मतलब शिवराज सिंह चौहान जो है जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो राजस्थान के जो पब्लिक हैं या सिविलियंस हैं उनके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वाई, बिकॉज वो एमपी के गवर्नमेंट है, राजस्थान के नहीं है, वहाँ के दूसरे, सॉरी वो एमपी के सीएम है, राजस्थान के नहीं है, वहाँ के दूसरे सीएम है, ठीक है, वहाँ के अशोक गहलोत है, ऐसे, यानी हर स्टेट गवर्नमेंट की जो है पावर्स होती है वो उस स्टेट की बाउंड्रीज के विद इन ही काम कर सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकती, ओके। नाउ द स्टेट्स कैन मेक लॉज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे द स्टेट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट,
यानी स्टेट उन्हीं सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है जो स्टेट लिस्ट में दिए हैं, यानी राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन्हीं पर राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है, कानून बना सकते हैं। यानी आप क्या समझे, मैं कौन से चैप्टर आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको वही चैप्टर पढ़ा सकता हूँ जो सोशल साइंस के दिए, मैं आपको साइंस के चैप्टर नहीं पढ़ा सकता हूँ अगर मुझे नहीं कहा गया या मुझे परमिशन नहीं है जो मेरा शेड्यूल में नहीं, तो क्योंकि मैं जो हूँ आपको सोशल साइंस पढ़ाने के लिए अपॉइंट हुआ, ओके ऐसे, या मेरे पावर्स जो है इसी सब्जेक्ट तक लिमिटेड है। ऐसे ही हर स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स यानी टॉपिक्स पर ही कानून बना सकती है, ओके ना। और यहाँ पर मैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि स्टेट लिस्ट के अलावा एक होती है यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट के जो टॉपिक होते हैं उन पर कौन कानून बना सकती है, केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट यानी इन हिंदी बोलते हैं समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर कौन लॉ बना सकता है, उन पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ओके। पर अगर मान लो वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या कोई डिस्प्यूट हो जाए या कोई रिजोल्यूशन हो जाए, यानी कोई टकराहट हो या संघर्ष की स्थिति निर्मित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है किसके अभिमत को मान्य किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको समझाया कि तीन लिस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, ओके, दूसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, तीसरी होती है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। ये तीनों जो सूचियाँ होती है, तीनों जो लिस्ट होती है, इनमें अलग अलग टॉपिक लिखे गए हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर ही जो है हमारी जो गवर्नमेंट होती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये जो है लॉ बना सकती है, यानी इनकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। सपोज आप शिवराज सिंह चौहान हमारे चीफ मिनिस्टर, वो ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जो है खाचर से रेलवे लाइन बिछेगी भाट बचलाना के लिए, ऐसा नहीं कर सकते, या बड़नगर के लिए, क्यों, वाई, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के हेड हैं और रेलवे जो है वो स्टेट लिस्ट का कंटेंट या टॉपिक नहीं है। रेलवे से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या यूनियन गवर्नमेंट लेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब लेगी, भारत की जो केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी उसके हेड तो जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, नरेंद्र मोदी है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसको जो है इसके लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है यानी सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर है उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, समझ में आया आपको, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो है अलग अलग लिमिटेशंस होती हैं, अलग अलग दायरे होते हैं, विषय होते हैं जिन पर वो कानून बना सकते हैं। तो ये जो अलग अलग विषय वाले जो सूचियाँ हैं इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो यूनियन लिस्ट है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो है वो स्टेट लिस्ट है, और ऐसी लिस्ट या ऐसे कंटेंट या ऐसे टॉपिक जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं वो है कॉन्करेंट लिस्ट, इन हिंदी समवर्ती सूची। लाइक एजुकेशन यानी शिक्षा, शिक्षा पर, एजुकेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। डिफेंस, सॉरी यहाँ पर मतलब इंटीरियर इंटरनल डिफेंस की अगर बात करें, पुलिसिंग, पुलिस सिस्टम की, तो इस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं, समझ में आया आपको। तो यानी आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी, यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है, द पावर्स ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट वर्क ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, कि किसी राज्य की सरकार जो है उसी राज्य की सीमाओं के भीतर कार्य करती है, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल यू। नाउ इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड रिवेन्यू, ओके, यानी भू लगान या भू राजस्व, फिशरीज, ओके, यानी मत्स्य उद्योग या मछली पालन, इरीगेशन है, सिंचाई एटसेट्रा, ये कुछ सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द गवर्नेंस एंड ऑल्सो सेटिस्फाइज द जनरल नीड्स ऑफ द पीपल, स्टेट गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है फॉर द गवर्नेंस यानी शासन चलाने के लिए,
और लोगों की जो नीड्स यानी ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाइज यानी संतुष्ट करने के लिए। द ऑर्गन दैट परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज नोन एज द लेजिस्लेचर। और स्टेट गवर्नमेंट का वो ऑर्गन, वो पार्ट जो जनरल पीपल या जनरल मासेस या सिविलियंस या पब्लिक या जो कॉमन पीपल है उनके लिए रूल्स बनाते हैं यानी लॉ बनाते हैं यानी कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वो ऑर्गन कौन सा है स्टेट गवर्नमेंट का? लेजिस्लेचर। ओके, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लेजिस्लेचर का मीनिंग ये होता है कानून बनाने वाले। ओके, द बॉडी विच मेक्स लॉज, ओके, एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। क्लियर। तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में क्या काम करते हैं? वो लॉ बनाने का काम करते हैं, कानून। तो स्टेट लेजिस्लेचर कौन होते हैं? अब बात आती है, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन अराइजिंग, दैट इज विच आर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर्स के राज्य विधायिका होते कौन है? ओके, राज्य कानून निर्माता होते कौन है? तो इनमें आते हैं स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब जो है किसका पार्ट होते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, यानी ये सब कानून बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द रिमेनिंग कंटेंट ऑल्सो। आई होप, आई थिंक 3 to 4 वीडियोज जो हैं चैप्टर के भी बनेंगे या मोर देन दिस भी हो सकता है। ओके, आप बुक से भी रीड करिए और समझिए, आपको समझ में आएगा डिटेल में थोड़ा अच्छे से अगर आप अच्छे से चैप्टर रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।